हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2021 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, लिबरल आर्ट, सॉफ्ट स्किल, फॉरेन लैंग्वेजेस, योगा, स्पेशल एजुकेशन, एजुकेशन इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, लॉ, मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, नर्सिंग, हेल्थ साइंस, सभी में यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर एप्लीकेशन जो डालनी है वो वेबसाइट पर अपडेटेड है, तो आप वेबसाइट पर जाकर भी एप्लीकेशन डाल सकेंगे और सारी नोटिफिकेशन को खुद आप देख सकेंगे। तो हम आगे बढ़ते सीधे वेबसाइट की तरफ और सारी डिटेल्स कवर अप करते। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें नोटिफिकेशन के लिए। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आकर चेक कर सकते हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ ही साथ नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी यहाँ पर नोटिफिकेशन है। तो ये नोटिफिकेशन आपकी आई हुई है ICFAI यूनिवर्सिटी त्रिपुरा की तरफ से, तो त्रिपुरा स्टेट के लिए है, लेकिन काफी अच्छी नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर नेट एलिजिबल कैंडिडेट विदाउट PhD भी एप्लीकेशन डाल सकेंगे। जरूरी नहीं है कि PhD होनी है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। ICFAI एक बड़ी इंस्टीट्यूट है, ये ICFAI यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी जानी जाती है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया। तो बड़ी यूनिवर्सिटी है और इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं जो अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं। तो फिलहाल जो नोटिफिकेशन है वो मुझे ICFAI त्रिपुरा अगरतला के करियर सेक्शन में मिली, यूनिवर्सिटी के करियर सेक्शन में। यहाँ पर डाउनलोड करते से तो यहाँ पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए ICFAI यूनिवर्सिटी त्रिपुरा इज लुकिंग फॉर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन। इंजीनियरिंग में सिविल ECEEE, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में है, ब्रांचेस आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है जिनके ब्रांचेस यहाँ पर लिखे हैं स्पेशलाइजेशन। साइंस में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। डेटा साइंस में स्टैट्स, बिग डेटा एनालिसिस। लॉ में इंटरनेशनल लॉ, साइबर लॉ, क्रिमिनल लॉ, IPR, कॉरपोरेट लॉ। एजुकेशन में आप देख सकते हैं, मीन्स एजुकेशन में जो MED के बाद नेट करते हैं उनके लिए, तो सोशल स्टडीज, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन। मैनेजमेंट MBA में है, MBA में स्पेशलाइजेशन यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। कॉमर्स में है, लिबरल आर्ट्स में एप्लीकेशन डाल सकते हैं आप, जिसमें इंग्लिश है, सोशियोलॉजी है, इंग्लिश में लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक दोनों, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी विथ PhD विद MPhil PhD, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। सॉफ्ट स्किल है, सॉफ्ट स्किल में द जॉब इन्वॉल्व ट्रेनिंग एंड प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट फॉर जॉब प्रोस्पेक्ट इन कॉरपोरेट। फॉरेन लैंग्वेजेस हैं जिसमें जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, चाइनीज। लाइब्रेरी साइंस है, योगा के लिए भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन है, एलाइड हेल्थ साइंसेज हैं जिसमें पैथोलॉजी एटसेट्रा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नर्सिंग के लिए भी यहाँ पर है, MSc नर्सिंग है, यहाँ 3 साल की एक्सपीरियंस। फूड टेक्नोलॉजी में भी है रिक्वायरमेंट। द एप्लीकेंट शुड हैव PG, UGC नेट, तो PG और UGC नेट वाले एप्लीकेशन डाल सकते हैं, प्रेफरेबली PhD। PhD को मैंडेटरी यहाँ पर नहीं किया, PG और नेट वाले बिल्कुल एप्लीकेशन, UGC नेट, CSIR नेट वाले बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं विदाउट PhD। हाँ, PhD कैंडिडेट अगर आएंगे तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी विथ फर्स्ट क्लास एट द प्रेसिडिंग डिग्री। तो फर्स्ट क्लास है अगर PG में या ग्रेजुएशन में, तो इन एडिशन टीचिंग रिसर्च, तो इस तरीके से है। रेम्यूनरेशन यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के हिसाब से दी जाएगी। सैलरी इज नॉट अ कंस्टेंट फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में सेंड देयर डिटेल रेज्यूमे थ्रू ईमेल बाय मेंशनिंग द पोजीशन अप्लाइड फॉर इन सब्जेक्ट लाइन 2। तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं अल्टरनेटिवली, या फिर आप ईमेल नहीं करना चाहते तो इस एड्रेस पर भी भेज सकते हैं कुरियर से या फिर स्पीड पोस्ट से। और साथ में यहाँ पर जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर भी लिंक्स दी हुई है ऑनलाइन रेज्यूमे सबमिशन, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो ईमेल जरूर डाल दे, अप्लाई नाउ यहाँ स्क्रीन पर दी हुई है, यहाँ पर जरूर एप्लीकेशन डालें, बट साथ ही साथ ईमेल पर भी आप डालें एप्लीकेशन। यहाँ ये इसकी लास्ट डेट यहाँ पर मेंशन नहीं की हुई है, तो आप एप्लीकेशन डाल दें। कुछ यूनिवर्सिटीज पूरे साल रिक्रूटमेंट कंटिन्यू रखती है, जैसे ही कोई वैकेंट पोजीशन होती है या फिर जो रिक्वायरमेंट होती है या अच्छी उन्हें कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो उस समय
ईमेल आईडी पर सर्च करके रिक्रूटमेंट के लिए शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो आप एप्लीकेशन डाल दें, अगर एलिजिबल हो नेट वाले कैंडिडेट बिल्कुल यहाँ एप्लीकेशन डालकर रख सकते हैं। ये अच्छी इंस्टीट्यूट है, बड़ी इंस्टीट्यूट है। आप सभी को बेस्ट विशेष, थैंक यू वेरी मच। लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिलेगी हमेशा की तरह।